नमस्कार। रिलेशन, व्यवहार, आपका रिश्ता, आप अपनी लाइफ में कितने ही रिश्ते रखते होंगे, लेकिन आपको पता है आपका सच्चा रिश्ता, ट्रूली रिलेशन कौन सा है? आप अपने दोस्तों से रिलेशन रखते हो, आप अपने परिवार में रिलेशन रखते हो, आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से रिलेशन रखते हो, आप फेसबुक पर किसी से व्यवहार रखते हो, आप व्हाट्सएप पर किसी से व्यवहार रखते हो, आप इंस्टाग्राम पर किसी से व्यवहार रखते हो, आप समाज में किसी के साथ व्यवहार रखते हो, आप अपने ऑफिस में किसी के साथ व्यवहार रखते हो, लेकिन आपको पता है कि आपका ओरिजिनल रिश्ता कौन सा है, आपका सच्चा व्यवहार कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए, वरना तो आपके पास हजारों रिश्ते हो, हजारों नाते हो, हजारों व्यवहार हो, लेकिन उन व्यवहार में, उन रिश्तेदारी में, उस आपका जो रिलेशन है उसमें अगर ये चीज नहीं है ना, तो ये सारे रिश्ते नाते बेकार हैं, सिर्फ बनावटी होते हैं। बनावटी रिश्ते मत बनाना, रिश्ते कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें बनावटीपन मत होना। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सच्चा रिश्ता कैसा होता है और क्यों होना चाहिए सच्चा रिश्ता, ये बनावटी रिश्ते क्यों नहीं होने चाहिए। सच्चा रिश्ता, ट्रूली रिलेशन आपका वही है जो आपकी पीठ पीछे आपकी कभी बुराई नहीं करे और आपकी हमेशा तारीफ करे, आपके लिए कभी भी गलत शब्द ना बोले, आपके लिए हमेशा अच्छा सोचे, आपके लिए हमेशा उनके माइंड में आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही आए, वही होता है आपके लिए सच्चा रिश्ता और सच्चा बिहेवियर वही होता है। वरना आपने समाज में ऐसे बहुत सारे बनावटी रिश्ते देखे होंगे जो आपके मुंह के सामने तो आपको अच्छी अच्छी बातें बोलते और आपके पीठ पीछे और उनके मन में आपके प्रति दुर्भावना भरी होती है। आप जैसे जाते हो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, ऐसे होते ये बनावटी रिश्ते। और पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेंगे तो मन ही मन आपके प्रति एक ईर्ष्या की भावना रखेंगे, एक नफरत की भावना रखेंगे और आप उनके मन में रहेगा कि आप कभी ऊपर ना पड़े, आप उनसे हमेशा छोटे रहें, तो ये रिश्ते बनावटी होते हैं। और बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, उनको पता है कि हमारे कुछ रिश्ते बनावटी हैं, कुछ रिश्ते सिर्फ फॉर्मल के लिए, फिर भी वो निभाते हैं। क्या करें यार, परिवार में है, सबको साथ लेके चलते, क्या करें यार, ऑफिस में एक आदमी ऐसे ही है यार, लेकिन क्या करें, अब साथ में रखना है, या फिर दोस्तों में कि यार वो ऐसे ही है, लेकिन क्या करें, साथ में रखना होता है। समाज में भी ऐसे पता होता है कि ये हमारे साथ बनावटी बिहेवियर कर रहा है, बनावटी रिश्ता रखता है, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है उनको साथ में रखने की। ऐसी मजबूरी क्या है, ऐसा रिश्ता रखो ही मत जो बनावटी हो, जो आपके मतलब ट्रूली आपके साथ में ना हो, सिर्फ हर वक्त आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करेगा और आपके पीठ पीछे बातें करेंगे। ऐसे बनावटी रिश्ते आप कितने ही इकट्ठा कर लेंगे और अगर एक रिश्ता आपके साथ सच्चा होगा जो आप के सुख दुख में खड़ा रहेगा, आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करेगा, आप के सामने लोगों की आपकी तारीफ करेगा और हर वक्त आपके लिए अच्छा सोचेगा ना, तो वही आपके लिए सच्चा रिश्ता है। बाकी सारे रिश्ते एक तरफ और ये एक रिश्ता एक तरफ, ये एक रिश्ता इन सारे रिश्तों पर भारी पड़ेगा। तो लाइफ में तो यही होना चाहिए कि बनावटी रिश्तों को आप छोड़ो और जो ओरिजिनल, जो वाकई में जो सच्चा दिल से आपके साथ में रिश्ता रखना चाहता है ना, उसको साथ रखो यार। बाकी आप टाइम वेस्ट क्यों करते हो उनके साथ में? आज का समय टाइम वेस्ट करने का नहीं है, इन बनावटी रिश्तों में अपना टाइम वेस्ट न करें, ऐसे रिश्तों में टाइम वेस्ट करें जो आपके लिए कुछ सोचते हो, जो आपको कुछ समझते हो। तो लाइफ में एक बात ध्यान रखने की, सच्चा रिश्ता, सच्चा बिहेवियर वही होता है जो आपके पीठ पीछे कभी आपकी बुराई ना करे, जो आपको हमेशा सम्मान दे, जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचे और जो आपके लिए हमेशा
मन में कभी भी दुर्भावना न रखें, वही आपके लिए सच्चा बिहेवियर होगा, सच्चा रिश्ता होगा।